पुणे से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा जो इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बीते लंबे वक्त से काफी ज्यादा व्यस्त है और अब इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दावा किया जा रहा है कि CMR में बैठक लेंगे अशोक गहलोत और बैठक में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री विधायक शिरकत करेंगे। 3 दिसंबर को राजस्थान की तरफ प्रवेश करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा और इस यात्रा के लिए अहम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। 3 दिसंबर को जब राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश करेगी और इस यात्रा के लिए अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया जाएगा। झालावाड़ा से होते हुए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ये एंट्री करने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से रणनीतियां बना रही हैं, क्या यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरा फायदा मिलने वाला है या फिर यहां पर युवा नेता सचिन पायलट के लिए भी अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट भी, उनके नेतृत्व में अहम फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल इंतजार है कि इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयारियों को लेकर यहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी इस बैठक में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से और अब यहां पर जयपुर को लेकर भी अहम जिम्मेदारियां इस बैठक में ली जा सकती हैं, ऐसे अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें 21 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा में यहां पर व्यस्त नजर आएंगे राहुल गांधी और इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी, साथ ही साथ प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी भी इसमें नजर आ सकती हैं, क्योंकि राजस्थान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और CM पद की दावेदारी को लेकर अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।